आज मेरी रसोई में बना रही हूँ इंदौर का फेमस स्ट्रीट फूड राजवाड़ा का वेज हॉट डॉग। इंदौर का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है खाने के लिए, सराफा, राजवाड़ा और 56 दुकानें। अगर नहीं खाया है तो बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप सबका स्वागत है वेज रसोई माधुरी पे, चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम सफ़ेद काबुली चने लिए हैं, रात भर भिगो के रखे थे, अब इसको नमक डाल के बॉयल कर लिया है। अब इसको भगाने के लिए मैंने यहाँ 2 बड़ा चम्मच तेल लिया है, इसमें 1 छोटा चम्मच राई, 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, 2 बड़ा चम्मच अदरक की सावा। अब इन सबको सेक लेंगे 1 सेकंड के लिए। अभी यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज बारीक काटे हुए हैं वो डालेंगे, अब इसे ब्राउन होने तक सेकेंगे। इंदौर के फेमस वेज हॉट डॉग के लिए हमें चाहिए होता है छोला और टिक्की, तो उसके लिए सबसे पहले बना रही हूँ मैं छोला, उसके बाद बताऊँगी मैं आलू की टिक्की। अब यहाँ मैंने 4 बड़े टमाटर बारीक काटे हुए हैं वो डाल दिए हैं, अब इसको भी 1/2 मिनट तक सेकेंगे, थोड़े से नरम होने लगे जब तक, नमक स्वाद अनुसार। टमाटर पक रहे हैं जब तक मसाला तैयार करते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही ऑल पर्पज़ मसाला आपको बताया था, उसका वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे रही हूँ ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूँगी। यहाँ मैंने 4 छोटे चम्मच मसाला लिया है, आप चना मसाला भी ले सकते हैं, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटा चम्मच धना पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला। इन सबको मिक्स करेंगे और 2 बड़े चम्मच पानी से इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ऐसा पेस्ट बन जाएगा। प्याज टमाटर पकने आए हैं, अब इसमें मैं डाल दूंगी जो मसाले का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसे कवर करके 1 मिनट तक पकने देंगे। अभी यहाँ मैंने ये उबले हुए चने हैं, 2 बड़े चम्मच मैं उबले हुए चने के एक बाउल में निकाल रही हूँ, इसे मैं मैश कर दूंगी। इसको हम हाथ से भी चूर सकते हैं, ऐसा चूरा कर लेना है, क्योंकि चने की ग्रेवी बनाने के लिए मैं थोड़े से चने ले लेती हूँ उसको गाढ़ा करने के लिए। अगर नहीं तो आप ये आलू, उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं इसको चूर के, ये ऑप्शनल है आलू भी। चने का स्वाद उसको अगर मैश करके डालो तो उससे और अच्छा फ्लेवर आता है, मैं जनरली वही यूज़ करती हूँ। ये जो चने मिक्स कर दूँगी, अपने जो मैश किए थे वो, आप आलू भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस, लेकिन बहुत से लोगों को आलू, जैसे शुगर वालों को, डायबिटीज़ वालों को नहीं खाना होता है आलू, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप चने मैश करके ही डालें। अभी जो उबले हुए चने थे वो डाल देंगे। मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है, आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा अच्छा रस्सा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अभी यहाँ मैं 1 छोटा चम्मच शक्कर ले रही हूँ, शक्कर ही आप गुड़ ले सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ मैं 2 छोटा चम्मच नींबू का रस डाला है, अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर के लिए प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर गुड़ यूज़ कर सकते हैं, इससे मीठा नहीं होगा, इससे स्वाद और मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी रेडी हो गए, इनको एक साइड में निकाल के रख देते हैं। अब चने तो हो गए रेडी, चलिए अब बनाते हैं आलू टिक्किया। आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही 8 से 10 उबले हुए आलू रखे हैं, अब इन सबको कद्दूकस कर लूँगी। ये आलू कद्दूकस हो गए हैं। अब यहाँ मैंने पहले से पोहे गला के रखे थे इस तरीके से, देखिए ये कच्चे पोहे ऐसे आते हैं, इसको पानी में गला के रख सकते हैं, 5 मिनट में गल जाते हैं। 4 बड़े चम्मच में पोहे ले रही हूँ, इससे आलू टिक्की बहुत खस्ता बनती है। 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच सीका हुआ जीरे का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास पोहे नहीं है तो आप 2 बड़े चम्मच बेसन डाल सकते हैं। अब बनाएंगे आलू टिक्की, उसके लिए हाथ में तेल या घी लगा लेंगे। अब एक छोटे छोटे बॉल लेकर इस तरीके से गोल गोल करेंगे, हाथ से थोड़ा सा दबाते रहेंगे हथेली से, ये देखिए इसको टिक्की का शेप दे देंगे। आसपास से क्रेक नहीं आए, इन सबको अच्छे से दबा देंगे। अब इस तरीके से सारी टिक्की रेडी कर देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में 1 दिन के लिए भी रख सकते हो, नेक्स्ट डे आप इसको डीप फ्राई या शेलो फ्राई कर सकते हैं। ये लीजिए रेडी हो गई आलू टिक्की सारी। अब मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया एक पैन में। बस अब सारी टिक्कियाँ सेक देंगे।
देखिए इस तरीके से खस्ता एकदम दोनों तरफ से अच्छी ब्राउन सिक गई है। चलिए अब बनाते हैं इंदौर का फेमस राजबाड़ा का वेज हॉट डॉग। उसके लिए मैंने यहाँ खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, आलू टिक्की, इंदौर की फेमस सेब, बारीक और मोटी छोले और प्याज के स्लाइसेस। अब लेंगे यहाँ पे बर्गर बन, इसको बीच में से काट लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो पाव भाजी वाले पाव बंस भी ले सकते हैं, आप उसे भी ऐसे ही बीच में से काटेंगे। अब इसमें लगाएंगे खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, छोले, इसके ऊपर इंदौर की फेमस बारीक मोटी सेव, प्याज के स्लाइसेस और एक तरफ रख देंगे आलू टिक्की। इसके ऊपर फिर से हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। अब इसको सेक देंगे, इसको अच्छे से सेकना है दोनों तरफ से। इंदौर के लोगों को बिना सेव के तो खाना चलता ही नहीं। अगर आप यहाँ पे सैंडविच भी खाएंगे तो उसमें भी आपको सेव डाली हुई मिलेगी। तो सेव तो यहाँ की तो जान है इंदौर की। अब लीजिए रेडी हो गया है वेज हॉट डॉग, इसको बीच में से कट कर दूंगी मैं। इसके ऊपर डालेंगे खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी और बारीक मोटी सेव और प्याज के स्लाइसेस। लीजिए रेडी हो गया फेमस वेज हॉट डॉग। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलें।